मेरा नाम है अमृत और वेलकम टू गॉड स्पीड ट्रैवलर चैनल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ सोलो ट्रैवल वर्सेस ग्रुप ट्रैवल के। तो सोलो ट्रैवल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन चूज योर ओन टाइमिंग्स। आप कितने बजे स्टार्ट करना चाहते हो, कितने बजे एंड करना चाहते हो, कहाँ कहाँ पे कितने कितने देर का ब्रेक्स लेना चाहते हो, ये सब यू आर योर ओन बॉस। अगर आप सपोज चला रहे हो गाड़ी, एक स्ट्रेच में आपको मूड आ गया, कभी कभी फील आ जाती है गाड़ी चलाते चलाते, वो हो सकता है कभी कभी अपन जोन में चले जाते चलाते चलाते, तो वैसे सिचुएशन में आई थिंक सोलो में यू कैन डू दैट। ग्रुप में यू हैव टू मेक श्योर कि द अदर पर्सन और पर्संस हु आर ट्रैवलिंग विथ यू आर कंफर्टेबल इनफ कि आप मतलब ग्रुप ट्रैवल उस हिसाब से आपको अपने टाइमिंग्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। अगर आप स्पेशली अगर आप वीडियो ट्रैवल कैप्चर करते हो, यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाते हो, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो या फोटोज़ लेते हो, अगर आपको कोई अच्छी सीनरिक व्यूज़ दिख गए तो आप रुक के वहाँ पर वीडियो या फोटो कैप्चर करना चाहोगे। इन सोलो ट्रैवल में यू कैन डू इट बिकॉज यू आर योर ओन बॉस। ग्रुप में क्या होगा, पीपल माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे माइट वॉन्ट टू गो एट सेव सम टाइम, बट अगेन दे विल से कि यार कितना वीडियो लेगा, हो गया बस अब चल। सो या दोज थिंग्स कैन हैपन। सोलो ट्रैवल में अगेन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है स्पीड जो है वो आप मेंटेन करना चाहते हो हाईवे पे। अगर आप ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करते हो या आप स्लो स्पीड पे ट्रैवल करते हो या फिर मीडियम स्पीड पे ट्रैवल करते हो, सो दोज थिंग्स यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप। ट्रैवल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। अगर आपकी बाइक खराब हो जाए, आप कहीं पर किसी भी वजह से स्ट्रैंडेड हो जाओ, किसी तरह की अनइवेंचुअलिटी हो जाए आपके साथ, तो वैसे सिचुएशन में यू हैव अ बैकअप, यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम विथ यू। आपके भाई लोग, आपके बंदे, आपके ग्रुप बीज हैं आपके साथ टू सपोर्ट यू। दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द ग्रुप ट्रैवल। ग्रुप ट्रैवल का अनदर एडवांटेज ये है कि आप बोर नहीं फील करोगे अपने आप को। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको बातचीत करते रहना पसंद है, हंसी मजाक करते रहना, अकेले ट्रैवल करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वैसे लोगों को आई थिंक ग्रुप ट्रैवल जो है वो एडवांटेज देता है। सो आई थिंक ग्रुप और सोलो के दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। बट मैंने एक चीज़ सीखी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप सोलो ट्रैवल जब करते हो तो आप जितना कुछ सीखते हो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट हैंडिंग दी एनी सिचुएशन, बी स्ट्रॉन्गर, थोड़ा डर लगता है और डर के आगे जीत वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है अगर आप सोलो ट्रैवल बहुत लंबी ले रहे हो। So all these things actually help you build your own personality and makes you a better rider. Group में क्या है कि एक shield हो जाती है आपके ऊपर, because आपके भाई लोग, आपके बंधु लोग हैं आपके साथ। But again, I am not encouraging or discouraging either group or solo travel. I am just giving you my perspective. Now it's up to you कि आप क्या करना चाहते हो। हाँ, कुछ tips मैं ज़रूर देना चाहूँगा। सबसे पहली tip ये होगी कि अगर आप solo travel कर रहे हो, so make sure कि you are ready for the worst case scenario. अगर आप लंबी राइड्स ले रहे हो तो हो सकता है आपकी बाइक ख़राब हो जाए, हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वैसे सिचुएशंस डील करने के लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड और आपको फिजिकली भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। बाय फिजिकली आई मीन कि अगर तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं तो दवा वगैरह ले कर चलो साथ में। अगर बाइक ख़राब होने के चांसेस हैं तो जस्ट नो द बेसिक थिंग्स लाइक चेंजिंग योर क्लच केबल और चेंजिंग द ऑयल और वट एवर टायर पंक्चर अगर हो सकता है तो उसकी किट वगैरह लेके चलो साथ में। वन ऑफ द टिप्स आई वुड लाइक टू गिव कि ग्रुप को जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखो, क्योंकि यार ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो जाने के बाद कोई मतलब नहीं बनता है, उसके अंदर फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है राइडिंग का, जो एक वन वाली फील आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक ग्रुप को छोटा रखो, ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल करो जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करना चाहते हो तो। अगले दोनों के लिए अप्लाई होती है, स्टार्ट योर डे अर्ली, एंड योर डे अर्ली, लाइक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बोलते हैं ना, सेम सिचुएशन यहाँ भी अप्लाई होती है। अपना दिन जल्दी शुरू करो, स्टार्टिंग में सुबह रात में अच्छे से सो जाओ और सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ और शाम होते होते ख़त्म कर दो राइड को, क्योंकि कई बार इंडियन रोड्स का कोई भरोसा नहीं होता, कोई जंगली जानवर आ जाए, कभी कोई खड्डे आ जाए,
कभी कुछ और भी हो सकता है, इवेंचुअलिटीज का कुछ पता नहीं। तो ये मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, आप कह सकते हो या एक अपना खुद का पर्सपेक्टिव था ग्रुप वर्सेस सोलो पे। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारे या कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हो, या आप मेरे किसी भी चीज़ से अग्री या डिसअग्री करते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और साथ में मैंने बहुत सारे ट्रैवल्स भी किए, अच्छे अच्छे वीडियोस, उन सब के जो ट्रैवल की प्लेलिस्ट है वो इधर आई बटन में और प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मैं लिंक कर दूंगा। अब जाओ देखो, इन्जॉय करो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। दिस इज़ अमृत साइनिंग ऑफ फ्रॉम गॉड स्पीड ट्रैवलर। सी यू।